नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं, डिविडेंड की बात करेंगे। डिविडेंड से भी कमाई होती है और मार्केट में इस वक्त काफ़ी उतार चढ़ाव बना हुआ है। निफ्टी फिफ्टी 17,000 के आसपास दबाव है पिछले दिसंबर से, और रिटेलर्स को ज़्यादा मुनाफा नहीं बन रहा है। जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो मुनाफा वसूली बहुत तेज़ी से आ रही है। फिलहाल डिविडेंड की बात करेंगे इस वीडियो में। डिविडेंड से भी कमाई होती है, मार्केट से इनकम होती है, और जिनके पोर्टफोलियोज़ में डिविडेंड वाले स्टॉक होते हैं तो डिविडेंड से भी कमाई होती है। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की बात करेंगे। फिर से नया अपडेट आ गया है डिविडेंड के बारे में, तो इसकी जानकारी लेते हैं। तो चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाएं स्टॉक मार्केट के अपडेट के लिए। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड वेदांता ग्रुप की कंपनी है और काफ़ी खबरें हैं स्टेक सेल के बारे में। फिलहाल उस टॉपिक को अगले वीडियो में बात करेंगे। जो अपडेट आया है डिविडेंड के बारे में, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। देखिए, जो अपडेट है, इंट्रीम डिविडेंड अनाउंसमेंट होगा। बोर्ड मीटिंग है 21 मार्च 2023 को। 21 मार्च 2023 को हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की बोर्ड मीटिंग है और इस बोर्ड मीटिंग में डिविडेंड का अनाउंसमेंट हो सकता है, डिक्लेयर हो सकता है कंपनी के द्वारा। और अगर डिविडेंड अनाउंसमेंट होगा तो इसका जो रिकॉर्ड डेट का अपडेट आया है 29 मार्च 2023, उस दिन वेनसडे है, बुधवार है। देखिए जो अपडेट है, इफ़ एनी सो डिक्लेयर्ड विल बी वेनसडे मार्च 29, 2023। 29 मार्च 2023 रिकॉर्ड डेट रहेगा अगर डिविडेंड का अनाउंसमेंट होता है। और ये डिविडेंड जो अनाउंसमेंट होगा, जैसे कि पिछला रिकॉर्ड अगर हम देखें तो लगभग 10 रुपये के ऊपर का होगा, 10 रुपीज़ से ऊपर का हो सकता है, मान के चलिए कि 13, 15। तो देखना पड़ेगा कितने रुपए का डिविडेंड का अनाउंसमेंट होता है कंपनी के द्वारा। तो जिनके पास हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है तो आने वाले दिनों में उनको डिविडेंड मिलने वाला है। एक अच्छी खबर है, गुड न्यूज़ है, और रिकॉर्ड भी अच्छा है हिंदुस्तान जिंक का। तो आगे आने वाले दिनों में वेदांता लिमिटेड से भी डिविडेंड मिल सकता है, डिविडेंड से भी कमाई होती है। अगर हिंदुस्तान जिंक है आपके पास तो आने वाले दिनों में रिकॉर्ड डेट के अनुसार डिविडेंड मिलेगा, बट ये कि डिक्लेयर कितना होता है वो देखना पड़ेगा। तो ये अपडेट है। अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करते हैं, हिंदुस्तान जिंक का मार्केट कैप है 1,31,872 करोड़ का है, फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का है, अर्निंग पर शेयर है 25 का, और बुक वैल्यू पर शेयर है 81 का। तो स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो 312 के आसपास है। प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में इस स्टॉक को रखा है, शेयर को रखा है, 132% का रिटर्न दिया है निवेशकों को हिंदुस्तान जिंक ने। और एक साल के अनुसार देखते हैं तो इसी के आसपास ये देखने को मिल रहा है। तो शेयर प्राइस, जो स्टॉक प्राइस है हिंदुस्तान जिंक का, वो है 312 में। तो ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का अपडेट है डिविडेंड के बारे में। और जिनके पास हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, गुड न्यूज़ है, अच्छी खबर है ये, क्योंकि मार्केट में एक तरह से देखिए दबाव है और डिविडेंड से भी कमाई होती है। इस तरह के वीडियो देखने के लिए धीरज सिंह टेक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।